आसिफा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। 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 बाफू भी पता है, ढाई महीने होने लगे हैं। 10 फरवरी को ये वाक़या हुआ था आसिफा का, कोटा मोड़ में लसाना गांव के साथ, जो हमारी एक 8 साल की बच्ची थी मासूम, उसके साथ बेइंसाफी हुई है। और हम ये चाहते हैं सरकार से और ये गवर्नमेंट से, हम ये चाहते हैं उसके जो कातिली पकड़े गए हैं, जो क्राइम ब्रांच ने, जो हाई कोर्ट हांड रेवल ने, जो मतलब केस लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ, हमारे को यकीन है, क्राइम ब्रांच पर हमारे को यकीन है, उनको जल्दी से जल्दी फांसी दिया जाए। मीडिया के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मीडिया को मैं आज खुल के ये बात कहना चाहता हूँ, आपको याद होगा धामनी का केस और निब्रिया का केस, आपको याद होगा आपने मेरे को भी घर से निकाला था, गली गली में से आप लोगों ने घर से निकाला था, क्योंकि वो दिल्ली पूरी जल गई थी, यूपी पूरी जल गई थी। आसिफा भी किसी माँ की बच्ची है, आसिफा भी किसी बाप की बेटी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ आसिफा को मत समझो, आसिफा किसी बकरवाल की लड़की है, आसिफा किसी गुजर की लड़की है, आसिफा की मुस्लिम है, लेकिन आसिफा इंसानियत की बच्ची है, भाईचारा की बच्ची है, सबका समाज है, सबका साथ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आसिफा के जो कातिल हैं उनको जल्दी से जल्दी सजा होनी चाहिए। यही कहूँगा जो कल्प्रिट्स हैं, ठीक है, उनकी जो जांच चल रही है उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए किसी की भी तरफ से, निष्पक्ष जांच हो। अब मुझे नहीं पता एक बंदा इन्वॉल्व था, दो इन्वॉल्व थे, जितने इन्वॉल्व थे, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज से मेरा यही रिक्वेस्ट है, अपनी रोटियां मत सेकें, उसके लिए आपके यहाँ कोई जगह नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, गुजरों को या माइनॉरिटीज़ को आप कम करके मत आंकिएगा। एक बार अगर मतलब आरएसपुरा तक, मतलब अगर अभी ये कैंपेन इतना शुरू नहीं है, आरएसपुरा में एक बार ये कैंपेन शुरू हुई ना, तो मैं इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं करूँगा, सबको कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड वे में करूँगा। और रोड बंद या कुछ इस तरह का कोई भी रैली वगैरह जब ऑर्गेनाइज होगी ना, तो उसमें डांसे भी शामिल होंगी, ठीक है। रोड ब्लॉक उन्हीं से होगी, बल्लक कार्ड्स जो होते हैं ना उनसे रोड ब्लॉक होगी। और ये गुज्जर भाइयों के साथ मैं नहीं हूँ, गुज्जर भाइयों के साथ मेजोरिटी ऑफ आरएसपुरा में जो लोग जो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते वो साथ में होते। साथियों आवाज दो, आवाज दो, आसिफा हम शर्मिंदा है, आसिफा हम शर्मिंदा है। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.